सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइज, काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने चैनल पर एक नई गेमिंग न्यूज़ वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे टीम कैप्टेंस के एक बहुत ही बड़े अपकमिंग हॉरर गेम के बारे में, एंड बहुत सारी अपडेट्स आ चुकी हैं इस गेम की, तो मैं आपको आज वही बताने वाला हूँ। वैसे आप लोगों ने देख तो लिया ही होगा। उससे पहले जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था कि इंडिया की कितनी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं एंड उनका नाम क्या है, कमेंट में लिख देना। तो भाई जिनने सही जवाब दिया है एंड सबसे पहले दिया है, उसमें सबसे पहला नाम है सौरभ। देन यहाँ पे स्ट्रोम ग्लेड ने भी एकदम सही जवाब दिया है। इसके बाद वेलकम टू प्रिंस चैनल ने भी एकदम सही जवाब दिया है। तो या ए बिग शाउट आउट टू सौरभ, स्ट्रोम ग्लेड एंड वेलकम टू प्रिंस चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैप्टेंस के न्यू हॉरर गेम के बारे में। तो जी हाँ, कुछ नया रिलीज़ हुआ है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दो नए वीडियोस टीम कैप्टेंस ने रिलीज़ करे हैं, स्नीक पिक वीडियोस, एंड उन दोनों को देख के लग रहा है भाई ये गेम सच में बहुत बेस्ट होने वाला है, एंग्री किंग जैसा बिल्कुल नहीं होने वाला। एंड मैं इम्प्रेस हो गया भाई इसके ट्रेलर से, क्योंकि एकदम आइस स्क्रीम जैसी वाइब आ रही है। लास्ट जो 003 जो रिलीज़ किया है ना, उसको देख के तो भाई मज़ा ही आ गया। बट उससे पहले मैं बात करूँगा कैरेक्टर रिवील 002 के बारे में। तो यहाँ पर ना एक कैरेक्टर को रिवील किया गया है, एंड सबसे पहले तो आप लोग ये वीडियो देख लो। तो ये जो कैरेक्टर है इसको देख के कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या है। आप लोग कमेंट में अपना ओपिनियन दो मुझे, क्योंकि सच में इसके बारे में कोई आइडिया नहीं लग रहा कि इसको मतलब है क्या। ये क्या ये सिर्फ एक पेंटिंग है या फिर ये क्या कैरेक्टर है, समझ में नहीं आ रहा भाई इसे देख के। तो या आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। बट यहाँ पर जो दूसरी वीडियो टीम के प्लेस रिलीज़ करी है अभी से 6 दिन पहले, उसको देख के भाई मज़ा ही आ गया। पहली बात तो ये मैप देखो, कितना क्लियर मैप दिख रहा है। एंड यहाँ पर ये एक हम कह सकते हैं गैलरी टाइप एरिया है, जैसे कि हम आइस स्क्रीम में देखते हैं, ईवलन में देखते हैं ऐसा कुछ। एंड ऑफ कोर्स ये अभी पूरा नहीं है, इसको और भी ज़्यादा अपग्रेड करेंगे टीम कैप्टेंस वाले। लेकिन अभी तक जितना भी ये दिख रहा है भाई मैप, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मैप। एंड ये जो टेक्स्चर है भाई, बिल्कुल एकदम आइस स्क्रीम, ईवलन, मिस्टर मीट वाली फील दे रहा है। तो ये गेम काफ़ी बढ़िया होने वाला है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ रिवील करी है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। पहली बात तो इस वीडियो के टाइटल में टीम कैप्टेंस ने एक डेविल इमोजी शेयर करी है। तो यानी ये जो भी इस गेम में हमारा मेन विलन होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। एंड इसकी साउंड सुन के भाई एक बार आप लोग पहले ये ट्रेलर देखो। अगर आप लोग इसका साउंड ध्यान से सुनोगे ना, तो एक मॉन्स्टर जैसा साउंड है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन एनिमी होता है, अब पता नहीं ये मेन है या ये भी साइड का ही कोई एनिमी है, ये बोलता है आई एम बोर्ड, आई नीड टू प्ले। एंड देन ये बोलता है वेयर इज़ दैट ह्यूमन, यानी हमारा जो कैरेक्टर है वो तो ह्यूमन होने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये कोई क्रिएचर है जो कि एक मॉन्स्टर है। एंड लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से एक कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि ये जो न्यू विलन है इसमें जो हमारा एक मॉन्स्टर होगा वो आखिर कौन है, आपके अकॉर्डिंग वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बोला ह्यूमन विलन, बट मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये कोई क्रिएचर है, ये कोई क्रिएचर या फिर कोई एनिमल टाइप हो सकता है, या फिर ये गेम के अंदर का भी कोई मॉन्स्टर हो सकता है। क्योंकि इस गेम का मेन कॉन्सेप्ट तो वही समझ में आता है मुझे कि जैसे जुमानजी है ना, आप जुमानजी मूवी आपने देखी हो अगर, तो उन लोगों को समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, गेम के अंदर हम चले जाते हैं, देन हम उस गेम के अंदर की लाइफ को जीते हैं। तो हो सकता है उसी तरीके से ये लोग कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें एक खतरनाक सा मॉन्स्टर होगा एंड ये लोग इस गेम के अंदर चले जाएंगे। एंड इस गेम का ये एक कैरेक्टर है जो कि हमारा क्रिएचर है। एंड मेरा ऑप्शन ये है कि या तो ये कोई क्रिएचर है या फिर ये कोई ऐसा रोबोटिक मॉन्स्टर है, ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ये जो स्नीक पिक है ये देख के मज़ा आ गया भाई मेरे को तो, सच में ऐसा लग रहा था आइस स्क्रीम ख़त्म होने के बाद टीम कैप्टेंस का कुछ सब कुछ ख़त्म है अब तो। लेकिन नहीं, अभी जो ये गेम आने वाला है ये बहुत बेस्ट होने वाला है मुझे लग रहा है। एंड अभी तक इसका नाम भी रिलीज़ नहीं हुआ भाई, तो इसका नाम भी अभी रिलीज़ होना बाकी है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ इसे न्यू हॉरर गेम करके बोल रहे हैं ना, बट इसका नाम क्या है
एंड ये कब तक आएगा, मे बी ये इस साल आ सकता है, क्योंकि देखो अभी भी काफ़ी टाइम है इस साल में। एंड जिस तरीके से जल्दी जल्दी टीम कैप्टेंस वाले इसका स्नेक पिक शेयर कर रहे हैं, एंड आज भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फ्राइडे हो चुका है, यानी हो सकता है कल भी इसका कोई नया वीडियो रिलीज हो, तो मुझे लगता है भाई जल्दी ही हमें ये गेम देखने को मिलेगा। एंड यस, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट वेट, यहाँ पर मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ आपसे, आज का सवाल। तो आज की वीडियो में आप लोगों का सवाल बहुत ईजी है, ये एक मॉन्स्टर कौन होने वाला है? क्या ये एक ह्यूमन मॉन्स्टर होने वाला है, या फिर ये एक क्रिएचर होने वाला है, या फिर ये एक रोबोट होने वाला है, या फिर ये एक एनिमल होने वाला है? तो आप लोग कमेंट में बताना इन चार में से आपको क्या लगता है। एंड वन मोर थिंग, मैं इस वीडियो के अपलोड होते ही अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक Q&A पोस्ट करने वाला हूँ, एंड वहाँ पर आई थिंक मैंने कर भी दिया होगा, तो जो भी Q&A का पोस्ट होगा उसमें आप लोग कमेंट कर देना नीचे अपने सारे सवाल, एंड याद रखना उसी पर आपको कमेंट करने हैं, ठीक है? आप लोग यहाँ पर करोगे तो शायद वो मैं नहीं ले पाऊँगा, तो आप लोग उस कम्युनिटी पोस्ट में जाके कमेंट कर देना, एंड आप लोगों के कमेंट इस गेम से रिलेटेड ही होने चाहिए सारे कमेंट्स, ठीक है? इसके अलावा कोई और कमेंट मैं नहीं लूँगा उस Q&A के लिए, क्योंकि वो Q&A स्पेशली सिर्फ इसी न्यू हॉरर गेम पर होने वाला है। आप लोग कुछ भी पूछ सकते हो, इसका नाम, इसका कैरेक्टर, क्या क्या होने वाला है, कितने कैरेक्टर होने वाले हैं। एंड एक और चीज़ याद रखना गाइस, टीम कैप्टन से बोला था इसका कनेक्शन कैप्टेंस के इन तीन विलन्स, यानी मिस्टर मीट, इवलन एंड रॉड, इन तीनों में से किसी एक से है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो आप लोग ये भी पूछ सकते हो, मतलब जो भी आपको मन में हो इस गेम से रिलेटेड कमेंट कर देना वहाँ पे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, हर कमेंट में #Gamerstate गेम स्टेट या फिर ऐसा कुछ लगा देना जिससे समझ में आ जाए कि हाँ वो आपका सवाल है। Come here, you fat little bastard!